पांच साल पहले केंद्र में भाजपा की सरकार के सत्ता में आने के बाद से देश विकास की एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। भाजपा के सत्ता में आने से पहले के दिनों में देश को जातियों, धर्मों और क्षेत्रों में विभाजित किया जाता था। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान जैसा पड़ोसी देश लगातार धमकी दे रहा है। श्री योगी आदित्यनाथ सेलू में महायुति के उम्मीदवार सुमेघना बोडीकर सकोरे के लिए महाराष्ट्र की पहली सभा के लिए गुरुवार को आयोजित एक जाहिर सभा में बोल रहे थे। भाजपा महासचिव शशिकांत पांडे, जिला अध्यक्ष अभय चाटे, पूर्व विधायक राम प्रसाद बोडीकर, भाजपा प्रत्याशी मेघना साकूर बोडीकर, शहर अध्यक्ष विनोद बोर्डे, संजय सादगांव, रविंद्र दासलकर और अन्य उपस्थित थे। इस समय श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाराष्ट्र की भूमि को संत छत्रपति शिवाजी महाराज की ताकत से जाना जाता है। जिंतूर तालुका में नेमगिरी में वर्धमान महावीर और सेलू शहर को साईं बाबा की गुरु भूमि के रूप में जाना जाता है। इसलिए श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रचार का नारियल फोड़ने की शुरुआत जिंतूर से की गई। पिछले पांच वर्षों में जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला गैस और कल्याण योजनाओं के माध्यम से देश के विकास में हर नागरिक को शामिल करने का प्रयास किया गया। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के दौरान विकास की नई ऊंचाइयों को पहुंचा है। 2024 तक हर घर को नल कनेक्शन देने की योजना। श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकार के पास विकास के लिए कोई विजन नहीं था। जब महाराष्ट्र में बाढ़ आई तो श्री राहुल गांधी इटली भाग गए। श्री योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि वह कांग्रेस और रांगपा की वास्तविकता है। उन्होंने यह भी विश्वास व्यक्त किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरान किए गए विकास कार्यों के कारण देश दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और जल्द ही तीसरे सबसे बड़ी होगी। भाजपा मेघना बोडीकर के ने जिंतूर तालुका में वाटर कप प्रतियोगिता के माध्यम से जल संरक्षण का एक बड़ा काम किया है। पानी के लिए उनकी लड़ाई महत्वपूर्ण है। श्री योगी आदित्यनाथ ने इस समय मेघना बोडीकर के पीछे रहने की अपील की, जो हमेशा आम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। परिचय में श्रीमती मेघना बोडीकर ने कहा कि मैं यहाँ की नहीं हूँ, ऐसा आरोप विरोधक लगा रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें कहना चाहती हूं कि मैं यहीं की हूं और हमेशा लोगों के विकास के लिए प्रतिबद्ध रहूंगी। मैं आपकी अपनी बहन हूं, अपनी बहन समझकर मेरे पीछे रहने का आग्रह किया है। इस समय भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। परभणी से नजीब सिद्दीकी की रिपोर्ट। तो मैंने इसी बारे में कहा कि चुनाव प्रचार की शुरुआत मैं जैनपुर विधानसभा सीट से मेघना दीदी बोडीकर के चुनाव प्रचार से प्रारंभ करूंगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके बीच प्रभु राम की पवित्र धरती से आपके बीच में विशेष रूप से आया हूं। भाइयों बहनों, पूरा देश विगत पांच वर्षों के दौरान विकास की एक नए दौर में प्रारंभ अपनी यात्रा प्रारंभ किया है। सारे छोटा कार्यकर्त्याचा प्रचार करण्यासाठी इथे आले, म्हणून मी योगीजींचे मनापासून आभार मानते व थांबते। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पहिली सभा के लिए पूरे देश में युवाओं के जो प्रेरणा स्थान है, हिंदुओं के जो नेता है, योगी आदित्यनाथ जी यूपी के मुख्यमंत्री मेरे प्रचार सभा के लिए सेलू शहर में आए थे। वो हमारे पार्टी के एक स्टार प्रचारक है। मैं सारे मेरे मतदाता भाइयों और बहनों को एक ही विनती करना चाहूँगी कि जो अभी सरकार केंद्र में इतनी मजबूती से काम कर रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, वैसे ही महाराष्ट्र में महायुति की सरकार आने वाली है। इसलिए जिंतूर सेलू के
सभी मेरे भाइयों बहनों ने ज़्यादा से ज़्यादा वोट कमल निशानी पे डाल के ये विकास पर्व चालू रखने के लिए, इस विकास पर्व को और बढ़ावा देने के लिए यहाँ से कमल महायुति का उम्मीदवार चुन के देना चाहिए। ये मैं आपकी तरफ से, आपके माध्यम से सभी मेरे मतदाताओं को विनती करना चाहती हूँ। फाइट तो किसी में नहीं है, क्योंकि भाजपा, आपने देखा है जैसे भारत में कांग्रेस मुक्त भारत का नारा मोदी जी ने दिया था, और अभी महाराष्ट्र में पंकजा तई साहब ने राष्ट्रवादी मुक्त का नारा दिया है, और वैसे ही आप देखते हैं टीवी चैनल्स पे भी दिखाया जा रहा है। 288 पैकी 240 के ऊपर जगह ये महायुति के आने वाले हैं, और जितने भी नेता है अच्छे काम किए हुए वो 5 साल में हमारे लिए है लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए, और जो राष्ट्रवादी है या वंचित है उनके पास कोई नेता नहीं है, स्टार प्रचारक नहीं है, और वो किस किस के नाम पे किस चीज़ पे वोट मांगने वाले हैं, ऐसे कोई मुद्दा नहीं है उनके पास, ठोस मुद्दा है।